गजवाए हिंद वगैरह का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन के पहले उसको टेस्ट करने का ये तरीका चल रहा है। से खंबे पर पारंपरिक रूप से लगाया गया भगवा ध्वज को उतारा गया था, अपमानित किया गया था। एके मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जब निकलकर सामने आती हैं तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड चालू हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में क्या मुगल राज चल रहा है। यही वजह है कि पहले कवर्धा और अब रायपुर, क्या यह स्थिति है कांग्रेस शासित प्रदेशों में? क्या यह मान लें हिंदू महफूज नहीं, या फिर हमारी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम लगातार किया जाता रहेगा? देखिए, ये एक खास मानसिकता का ग्रुप है, कौम है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, वही सवाल लगभग 1400 साल पहले हसन और हुसैन ने भी पूछा था, गर्दनें कलम कर दी गई, वो भी मस्जिद में जब वो सजदा में पड़े हुए थे नमाज में। और मैं बताऊं, मुगल के टाइम पे दारा शिकोह ने भी यही सवाल पूछा था, तो उसके गर्दन को काट करके हाथी के पैर से वो करके यहाँ पे दिल्ली की गलियों में फुटबॉल खेला था औरंगजेब ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली आप ये देखिए, वसीम रिजवी साहब जो लखनऊ के हैं, यही सवाल पूछ रहे थे। तो ये देखिए, कोई कौम नहीं है, इनकी कोई मानसिकता नहीं है, ये एक लुटेरों का गैंग है। हालांकि इनको नहीं पता है, ये इतने जाहिल ला इल्म है कि इनके जो अब्बा जान बैठे हुए हैं सऊदी अरब में, जहां से ओरिजिन हुआ है, जिस इस्लाम को ये अपना ढाल बनाते हैं, वहां पे फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पे एज ए चीफ गेस्ट गए हैं। और ये इस्लाम इस्लाम पता नहीं कौन सा इस्लाम, मुझे तो नहीं लगता है इनका किसी भी रिलीजन से, या तो ये बोल दिया जाए कि जिस रिलीजन का ये ढाल बना रहे हैं वो रिलीजन अपने आप में इतना गंदा है, इतना क्रूर है, या ये मान लिया जाए कि भाई ये लोग शैतानी खोपड़ी के आदमी है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत डिबेट उबेट करने की जो है बात नहीं है। पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही लोगों के कारण बना था, ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से शिवाजी महाराज का भी जो ध्वज था वो भगवा था, उन्होंने वहां पे भी इसी तरीके से उत्पात मचाया था। तो जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने इनको जवाब दिया था, उसी हिसाब से इनको जवाब देना चाहिए। दुख की बात एक चीज है जो आपने बोला कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, कुछ सरकारें इस देश में ऐसी रही हैं सन 70 के बाद से, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज थी, कश्मीरी लोगों का जब पलायन और हत्या हुआ तो उस वक्त जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, अगर वो चाहते तो बड़े आराम से कंट्रोल कर लेते, लेकिन या तो उधर नीरो चैन की बंसी बजा रहा था या कुछ सरकारें ऐसी हैं। राम मंदिर पे गोलियां चली, सरकार जो है सोती रही, जो जिस सरकार ने ऑर्डर दिया। तो डेफिनेटली सरकार के ऊपर ये क्वेश्चन उठता है। मुझे तो ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार में भी एक गैंग ऐसा है, या सरकारें ऐसी हैं, या उनके लीडर ऐसे हैं जो छुपे तरीके से यहाँ की जो जमीन की आइडियोलॉजी है, यहाँ पैदा हुए जो धर्म है, तीन चार धर्म है, और सौभाग्य से यहाँ के जो मूल धर्म है, सभी का ध्वज प्रतीक जो है भगवा रंग है, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। तो ये बहुत गहराई का विषय है और ऐसे आपताइयों से सावधान रहना चाहिए। ये हो क्या रहा है, मैं आपको खुल के बताता हूँ। गजवाए हिंद वगैरह का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन के पहले उसको टेस्ट करने का ये तरीका चल रहा है। हालांकि जनता बड़ी जागरूक है, आपने दिखाया कि जनता वहां पे पहुंच गई और उसको ध्वज को पुनर्स्थापित किया गया। यही चीज अगर किसी और रंग के झंडे को आप उखाड़ के फेंक दिए होते तो फिर देखिए क्या होता। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पंडितों का पलायन हुआ था, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, कौन गृह मंत्री था, कौन राज्यपाल था, गृह मंत्री कौन था, हमने गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाया है। सुन लीजिए, राज्यपाल धर्म विशेष के गृह मंत्री के ऊपर सवाल, ये घटना भी एक धर्म विशेष के लोगों ने की है। अरे सुन लीजिए, आप सुना मैंने आपको, आप ये बताओ केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्यपाल कौन था, जगमोहन, हम जो पूछ रहे हैं आपको बताई नहीं है, बात यहाँ धर्म विशेष की हो रही है। अरे आप सुन लीजिए, धर्म विशेष के लोग ऊपर पूरी दुनिया में क्यों मचाते हैं? अरे सुन लीजिए पाने भाई, सुन लीजिए, आपसे ज्यादा सनातन भी कर लिया गया। मिश्रा जी, क्योंकि जब हम सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछते हैं तो बड़ी दिक्कत उनको हो जाती है। सवाल इस वजह से भी पूछा जाता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि कृष्ण को लेकर राजनीति ना करो, राम को लेकर राजनीति ना करो, लेकिन जब हिंदू संगठन का अपमान, हिंदुओं का अपमान हो तो उस पर चुप्पी वो साध लेते हैं। देखिए साहब, ये बड़े डिप्लोमेटिक है, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल 1400 साल पहले हसन हुसैन ने पूछा था, दारा शिकोह ने पूछा था,
वसीम रिजवी अभी लखनऊ के हैं, उन्होंने पूछा था, आपको जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है और सरकारों की भी अपनी लिमिटेशन होती है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, कब तक सरकारों के भरोसे कोई रहेगा? आपको अपने धर्म, आपको अपने धर्म की अगर रक्षा करनी है तो खुद ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा, खुद ही आपको जागरूक होना पड़ेगा। आखिर इस संविधान में अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धन की रक्षा के लिए अधिकार तो दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना। तो मैं समझता हूँ इन लोगों से सवाल वाल नहीं पूछना चाहिए। जनता जो है इनके ऊपर जो है, जो जनता के अपने अधिकार हैं संवैधानिक दायरे में रह के, वो जो है अपने कर्तव्यों का पालन जनता करेगी। और हाथ में कलावा पहन के टीवी में दिखाने से, ऐसे लोगों से जो छत में हिंदू बने घूम फिर रहे हैं और हिंदू धर्म का ही विनाश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। नहीं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे बेवफा तो नहीं है लखपत जी, ऐसी स्थितियां तो खैर नहीं होंगी। मजबूरी एक ही है, मजबूरी एक ही है, मुंह में राम बगल में छुरी, एक बहुत बड़ा एजेंडा। मैंने आपको बताया इनके जो आका बैठे हुए हैं सऊदी अरब में, जहाँ फिल्म की बात करना गुनाह माना जाता है, सरपंच से जुदा हो जाएगा, वहाँ आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उसका इनॉग्रेट करने के लिए फ्रांस का एक बहुत बड़ा काफी जो है नेता है, जो वहाँ का राष्ट्रपति है, उसको बुलाया गया है जी। पता नहीं वहाँ के जो एनडीए से वो काफिर हो गए कि इस्लाम बदल गया, क्या हो गया। भारत में जो है ये कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतने सालों की जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, आप कोशिश करके देख लीजिए, शायद बदल जाए। मुझे तो नहीं लग, कोई एक उदाहरण बता दीजिए जब ये बदल रहे हो। आपने बद्रीनाथ में, आपकी सरकार होती है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में इस समय क्या कहते हैं, नमाज पढ़ी गई, आपने क्या एक्शन लिया? बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी गई, आपने क्या एक्शन लिया? कुंभ में इतना बड़ा घोटाला हो गया, आपने क्या आपने कुंभ के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, कौन सा आपने एक्शन ले लिया? पहली बात सुन लीजिए, अंतर ये है, सुन लीजिए, अंतर ये है, मैं आप बताता हूँ, सुन लीजिए मान्यवर। लखपत जी, कुंभ में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसके बाद आपकी सरकार आई, आकर चली भी गई, कुछ कर पाई क्या सर? रोका था कांग्रेस पार्टी को किसी ने? ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, और क्योंकि इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो फिर जाहिर है कि नाराजगी सामने आती है। ठीक है लखपत जी, इस पर कमेंट आपसे लूंगा। एके मिश्रा जी, कि एक तरफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर दे और उसके बाद फिर नेता कह दें कि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, इसमें हम क्या कॉमेंट करें? और फिर हम पूछें कि आप निंदा भी नहीं करते, आप सोशल मीडिया पर कॉमेंट भी नहीं करते, तो उनको बुरा लग जाता है। नहीं नहीं, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और बड़ा स्ट्रेटजिक और जिसको बोलते हैं ना छुपा हुआ, जिसको समझने की जरूरत है। हाँ, नेता यही चीज बोली गई थी 1947 में जब देश आजाद हो गया। हमारे मित्र बोल रहे थे कौन सा घोटाला हुआ, भूमि घोटाला हुआ। देश का सबसे बड़ा भूमि घोटाला मजहब के नाम पे 1947 में हुआ, जहाँ बहुत बड़ा भूभाग देश से काट करके अलग कर दिया गया। अब मैं आपको इनको ये बोलूं, नेता क्या होता, अक्साई सिंह चला गया तो बस निंदा कर दीजिए, चला गया तो कोई बात नहीं, जाने दो, हम तो फिर से उतना बड़ा एरिया पैदा कर लेंगे। ऐसे 50 उदाहरण है, ये बताता है कि कोई न कोई षड्यंत्र, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, कोई न कोई षड्यंत्र लगातार इस देश को कमजोर करने के लिए चल रहा है। अभी से नहीं, आप बहुत पहले से चल रहा है, मुगलों के अटैक के टाइम से चल रहा है। अंग्रेज और मुगल ने तो घोषित तरीके से किया, उनके एजेंडे को अघोषित तरीके से कुछ यहाँ पे उनके जो बेटे नाती पोते पड़े हुए हैं, जो आज खैरात पे चलते हैं, वजीफा पे चलते हैं, उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। मैं 2500 उदाहरण आपको देता हूँ, राम मंदिर पे गोली चली, क्या हुआ? हाँ जी, हो गया करके। तो ये इन लोगों की एक चाल है, आप इसको ये मत समझिए कि इन्होंने निंदा कर दी, पुलिस ने अपना काम कर लिया, रिपोर्ट लग गई, ये लग गया। हर स्टेप पे ये अपना काम करके बड़े आराम से बच के निकल जाते हैं। मैंने इसीलिए बोला, सरकारें किसी की भी हो, संविधान के हिसाब से अपने धर्म और अपने धन, अपने जान की रक्षा करने का अधिकार है, और वो जनता को अब उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। ठीक, लखपत जी कमेंट कर दीजिए उसका, जो चीज आ रहा हूं। हां जी, इन्होंने कहा बहुत सारी चीजें कही, मैं पूछना चाह रहा हूँ, 1936 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकारें बनाई थी इन प्रांतों में, कांग्रेस ने तो मना किया था, ये तो छुपी हुई बात नहीं। दूसरी बात, आपने उदाहरण का अफगान चीन और इनकी बात की है आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि युद्ध होते देश हारता जीतता निश्चित, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया को काटने का काम किया जा रहा था,
उस समय यदि नेहरू जी नहीं होता नॉर्थ इंडिया हिंदुस्तान के साथ नहीं होता। सिक्किम को हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से सरकार ने मिलाया, यदि कमियां होती उसकी खूबियां बतानी चाहिए माने पर, मैं समझता हूँ कुछ कमियां हुई कम कोई, लेकिन लेकिन घटनाएं घटना जो 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 छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है नॉर्थ इंडिया नहीं होता हिंदुस्तान के पास भाई, नेहरू और गांधी और जितने लोग थे वो अलग थे क्या, सब तो थे एक ही है। अरे आप थोड़ा सुन तो लीजिए, मैं पटेल नहीं होते आपने बोला होता तो समझ में आता, कहाँ आप किसकी बात कर रहे हैं जिन्होंने लुटा दिया, हाँ जी ले जाओ ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, चर्चा हो रही है। अरे सरकार नेहरू सरकार के नेतृत्व की बात कर